Morning students, formation of the compounds, इस तरीके से इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं और यहाँ पर जो हम फॉर्मेशन बता रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के बारे में, विच कंपाउंड इज द फॉर्म बाय द एक्सचेंजिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देयर आर 2 कंस्टिट्यूट्स मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें 2 घटक होते हैं मेटल और नॉन मेटल। आपको यह पता होगा कि किसी भी एटम को अपने ऑक्टेन को कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हर हालत में जरूरी है। मेटल में वैलेंस और वैलेंसी वही सेम इलेक्ट्रॉन होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी इज ऑफ एटम इज कॉल्ड द वैलेंसी, संयोजन कंबाइनिंग कैपेसिटी संयोजन क्षमता। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ले चल रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ द NaCl, फॉर्मेशन ऑफ द NaCl, NaCl इज द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इट इज आल्सो कॉल्ड द आयनिक कंपाउंड, व्हेन इट इज डिसॉल्व इन द वाटर इट गिव्स आयन पॉजिटिव एंड द नेगेटिव्स, एंड एक्वा सॉल्यूशन इज द बेस कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसका जलीय घोल होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, जलीय जो घोल होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए हम लोग इसको आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं। प्रायर 2 मार्क्स के इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं फॉर्मेशन के संदर्भ में। सबसे पहले देखिए सोडियम क्या है, न्यूट्रल मोड में है क्योंकि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, तो सम ऑफ दियर चार्जेज इज द 0, हेंस ऑल एटम्स आर इन न्यूट्रल मोड। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन KLM 281। सोडियम के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वह 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे, यह संभव 7 इलेक्ट्रॉन लेना किसी के द्वारा संभव नहीं है, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन तक ही डोनेट होता है या एक्सेप्ट होता है। तो सोडियम ऐसे एटम का तलाश करेगा एलिमेंट का जो उसे 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके लॉस करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बन जाता है 2-8 और 1 इलेक्ट्रॉन को यह लॉस करेगा। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन को हर हालत में 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन वह लॉस करें जो कि ऊर्जा के दृष्टिकोण से संभव नहीं है, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन तक डोनेट किया जा सकता है और एक्सेप्टेड किया जा सकता है। यह क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने के तलाश में है तो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होगा तो बनेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 288। अब इसका वैलेंसी 0, इसका भी वैलेंसी अब 0 हो गया। इस पर बना यह सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन वह क्या करता है क्लोरीन को दे देता है, क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो अब इसका 8 हो जाएगा। और सोडियम क्या होता है पॉजिटिव में हो जाता है और क्लोरीन आपका क्लोराइड आयन में हो जाता है, दोनों पर आयन अपोजिट हो जाते हैं और बीच में एक अंतर आणविक बल इंटर अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है और दोनों आपस में मजबूती से बंध जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा NaCl बनता है। NaCl इज द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इट इज आल्सो कॉल्ड आयनिक कंपाउंड, इट इज आल्सो कॉल्ड द कॉमन साल्ट व्हिच इज द मेन कंपोनेंट्स आवर डाइट्स, यह हमारे एक आहार का भी प्रमुख अंग है। तो NaCl के फॉर्मेशन के संदर्भ में आपसे अगर परीक्षा में पूछता है तो इतना चीज आपको देना होगा, तब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे।
अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नीशियम क्लोराइड, यू नो दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मैग्नीशियम 2H2। खासकर मेटल में वैलेंस और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। मैग्नीशियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो दो इलेक्ट्रॉन किसी को देना होगा या तो छह इलेक्ट्रॉन लेना होगा, लेकिन छह इलेक्ट्रॉन लेना ऊर्जा के दृष्टिकोण से संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं है। या दो इलेक्ट्रॉन किसी को गेन करेगा तो यह पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा, और देखिए दो इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे रहा है, अपने आप में लॉस कर रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका बन जाएगा 2-8। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा, यहाँ पर वह स्टेबल हो जाता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8-7 है, इसको मात्र एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपने ऑक्टेन को कंप्लीट करने के लिए। मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। तो पहले वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के आधार पर समझिए कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया तो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया और इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आपका हो गया 2-8-8। अब चलिए एमजी के आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन, दो क्लोरीन है, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, इस प्रकार से दोनों का ऑक्टेन कंप्लीट हो गया। मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, दोनों का वैलेंसी आप देख रहे हैं 2-2। और चूंकि यहां पर आप देख रहे हैं मैग्नीशियम, अगर इसको इस तरीके से समझा जाए, मैग्नीशियम का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2, क्लोरीन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1, क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मात्र एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और मैग्नीशियम को अपना ऑक्टेट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किसी को करना होगा, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दोनों का एक्सचेंज हो जाता है, यह चला जाता है 1 आ जाता है इस पर और सीएल पर 2 आ जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर इसमें आप चर्चा करते हैं तो सोडियम का वैलेंसी 1, क्लोरीन का वैलेंसी भी 1 होता है, क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन मेटल में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसमें 8 घटाते हैं, 8 में घटाते हैं, तो 8 घटाओ 7 = 1, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दोनों के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंजिंग हो जाता है, आपका क्या बन गया, NaCl बन गया, आपका बन गया NaCl। एल का हल्का सा हम टॉपिक्स के बारे में आपको बता रहे हैं। जैसे मोलिकुल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे मान लिया जाए हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन है और इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास ओनली के शेल होता है, और इसको अपने ऑक्टेन को कंप्लीट करने के लिए हर हालत में आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, हर हालत में आउटर मोस्ट में इसको 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये दोनों कंबाइन करके H2 आयन, H2 मॉलिक्यूल्स बना सकता है। तो आप देख रहे हैं ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन एटम, दोनों जो आपका है ये आपका है हाइड्रोजन एटम्स, ये दोनों आपका हाइड्रोजन एटम्स है। अब चलिए दोनों मिलकर H2 का फॉर्मेशन कैसे करेगा, दोनों मिलकर H2 का फॉर्मेशन कैसे करेगा, तो कैसे करेगा वह देखिए, यह हाइड्रोजन हो गया और यह भी हाइड्रोजन हो गया, इसके आउटर मोस्ट में 1, इसके भी आउटर मोस्ट में 1, दोनों क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेता है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेता है, और इस प्रकार से अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एक लकीर देते हैं और अंत में बन जाता है H2। इसको कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, द्वि परमाणुक अणु, इसको कहते हैं द्वि परमाणुक अणु।
अगर इसमें कितने बंधन की संख्या है, मैं एक बार बताए थे हाउ मेनी कोवेलेंट कंपाउंड इन एस टू, तो हम बताए थे कि जितना एटम होगा, इसमें टोटल एटम दो है, दो में घटा दीजिए, इसमें जो बॉन्डेशन की जो संख्या होगी कोवेलेंट जो बॉन्डेशन की संख्या होगी ओनली वन होगी। एक तो और मैं बता रहा हूं, क्लोरीन के संदर्भ में क्लोरीन अणु का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब देखिए यहां पर लीजिए क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में सात इलेक्ट्रॉन, दो दो चार दो छह एक सात, फिर क्लोरीन के आउटर मोस्ट में दो दो चार दो छह एक सात, यह भी क्लोरीन है, ये दोनों आपका क्लोरीन एटम्स कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम्स भाई। ये दोनों अपना ऑक्टेंट को कैसे कंप्लीट करेंगे, दोनों एक दूसरे के करीब में आएंगे, इसका हो गया दो दो चार दो छह एक सात, इसका हो गया दो दो चार दो छ एक सात, यह भी एक एक इलेक्ट्रॉन का इसे शेयर कर लिया, यह भी एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लिया, इस प्रकार से सीएल सीएल सीएल, इसको भी कहते हैं हम लोग डाय एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसको भी कहते हैं हम लोग हैं डाय एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये आपका हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, और इसके पहले जो मैंने बताया था वह हो गया इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन द आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि उसमें अपोजिट चार्ज होने के कारण मजबूती से आपस में बंधे हुए रहते हैं, और उस बंधन को तोड़ने के लिए भारी मात्रा में ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ती है, और नतीजा ये होता है कि इलेक्ट्रो कोवेलेंट कंपाउंड का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक्स रहा बहुत कम समय का, 2 मार्क्स का रहा, और फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड कुछ भी दे सकता है एग्जामिनेशन में, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, वीडियो को देखेंगे अंत तक देखेंगे, मैं आपसे यह उम्मीद करूंगा। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच।